आपकी अभी मैंने एक वीडियो देखी, वो बहुत वायरल हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब आपको यू कर रहे हैं जी, वो हटा रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है, या फिर मैंने आधी वीडियो देखी वो। अगर आप कोई अपना बंदा मुझे दे दें तो मैं बताऊं हटाना किसको कहते हैं, करके दिखाओ ना प्रैक्टिकली, ऐसी बात नहीं है। हटाना यू होता है, यू यू तपी होती है, तपी समझते हो? जी 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 जी, उर्दू में एक वर्ड है तपी। वो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। ये जो आपका कैमरा है ना, ये कैमरा अभी जो मैं ऐसी बात करूंगा जो हिट हो आपका शो, वो कैमरा इसको चलाएगा। जो ऐसी बात होगी जिसमें लोग इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे वो नहीं चलेगा। अब मैं बिलावल से सारी बातें कर रहा हूं, वो नहीं दिखा रहे। जब जाते हुए एक आखिरी बात उसे की तो उससे कहा यार डबिल सारी बातें यहां नहीं करेंगे, बिलावल आ जाओ। तो इस तरह उससे मुझे तपी दे, सारी बातें यहां नहीं करेंगे, बिलावल आ जाओ। रश था। अब वो सोशल मीडिया ने सिर्फ वो चीज चलाई कि नबील कपूर को दिखा दिया, वो इतना चल गया, इतना चल गया। वो लोग बोले वो जी बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी मतलब इतनी नेगेटिव बातें। तो मैंने कहा ना, जितनी नेगेटिव बातें मेरे खिलाफ होती है मैं और खुश होता हूँ। बेइज्जत कर दिया, जलील कर दिया, बिलावल ने अपने वर्कर्स के साथ इस तरह कर दिया, एक सीनियर लीडर जो उसकी वालदा के वक्त का लीडर था उसके साथ कर दिया। ये मकसद ये है कि जो आपकी गंदी सोच है ना, जो दिमाग 85% ट्विटर के अंदर गंदी सोच रखने वाले लोग हैं। मैं आज भी कहता हूं, भले मुझे गालियां ट्विटर वाले दें, ट्विटर के और फेसबुक के और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में 85% गंदी सोच, गंदी मतलब नेगेटिव सोच, किसी के लिए अच्छी बात नहीं कर सकते, उनको मौका चाहिए। तो वो उन्होंने किया, आई डोंट केयर, ऐसा हुआ नहीं। तो मैं क्यों, अगर ऐसा होता, मेरी बेइज्जती होती, मुझे बेइज्जत करता चेयरमैन बिलावल, इसी तरह धिक्का मार के हटाता, तो यार मैं भी एक इज्जतदार आदमी हूँ, बलोच आदमी हूँ, मैं बोलता भाई अगर मेरी इज्जत ही नहीं है इस पार्टी में तो जाके घर बैठ जाओ, इससे अच्छा छोड़ दो, तो मैं वही करता। लेकिन मैं समझ ऐसा नहीं हुआ तो मैंने ऐसा कोई एक्शन नहीं ली। तो ये गलत है।